पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। इंडिया 24/7 आपके लिए सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल लेकर आया है, जो सभी पोल्स का मेगा पोल है। मेगा पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई दिख रही है, वहीं असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। पिछले 15 साल से सत्ता में रही कांग्रेस असम से सत्ता से बेदखल हो सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु में दिलचस्प तस्वीर है, यहां सीधा मुकाबला डीएमके एआईएडीएमके में है, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तो कम से कम यही कहा जा सकता है, बंगाल में क्लीन स्वीप ममता बनर्जी। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल्स के मुताबिक ममता बनर्जी की टीएमसी को 294 सीटों में से 163 से 171 के बीच आंकड़ा मिल सकता है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 71 से 79 सीटें मिल सकती हैं, इसके बीच में कोई आंकड़ा। इसके अलावा बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं आज तक एक्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को और भी बड़ी जीत मिल सकती है। आज तक के पोल के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी को 233 से 253 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब 294 में से अगर आप मैक्सिमम पे चले जाएं 253 का आंकड़ा अगर वो छूते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने जो विरोध करने के लिए बैठेगा उसको तय करना पड़ेगा कि वो विरोध किस तरीके से करता है। उधर एबीपी के एग्जिट पोल में टीएमसी को 163 सीटें, 126 सीटें लेफ्ट को, बीजेपी को 1 और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। न्यूज नेशन सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 151 से 155 सीटें, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को 132 से 140 सीटें, बीजेपी को 2 से 4 सीटें और अन्य दलों को 1 से 3 सीटें यहां मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के जरिए। और अब हम रुख करते हैं असम का। यहां इंडिया टीवी सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को 53 से 61 सीटें, कांग्रेस को 37 से 45 सीटें, यूडीएफ को 14 से 22 सीटें, अन्य के खाते में 6 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आज तक एक्सिस के एग्जिट पोल की बात करें तो यहां बीजेपी को 79 से 93 सीटें, कांग्रेस को 26 से 33 सीटें, यूडीएफ को 6 सीटें ज्यादा से ज्यादा, या हो सकता है कोई खाता भी ना खोल पाए। उधर अन्य के खाते में 1 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। एबीपी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 81, कांग्रेस को 33, एआईयूडीएफ को 10 और अन्य खाते में 2 सीटें जा। चाणक्य टुडे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 90 सीटें, यह असम का आंकड़ा आपके सामने है, बीजेपी को 90, कांग्रेस को 27 से 34, यूडीएफ को 12 और अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अब रुक करते हैं तमिलनाडु। दक्षिण का ये वो इलाका जहां पर आम तौर पर दो ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर रही है, डीएमके एआईएडीएमके। एग्जिट पोल की बात करें तो आज तक एक्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक यहां डीएमके प्लस जो उनका गठबंधन है उसको 124 से 140 के बीच में, जबकि एआईएडीएमके को 89 से 101 सीटें इस बीच में कुछ आंकड़ा हो सकता है। बीजेपी या तो खाता नहीं खोलेगी और खोलती है तो फिर 3 सीटें उसको आ सकती हैं, अदर यानी अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं ऐसा अनुमान है। उधर इंडिया टीवी सी वोटर के मुताबिक डीएमके को 78, एआईएडीएमके को 139, बीजेपी को कोई सीट नहीं दी है इस सर्वे में और अन्य के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। तरुण गोगोई ने उम्मीद जताई है कि असम में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और वहां कोई सत्ता विरोधी लहर काम नहीं करेगी। I don't think because the third time how we could get more. You see, incumbency could be in 2 terms. Definitely, you see, naturally because other government why they couldn't consist for 2 years? Because anti-incumbency is there.
in our case, it was otherwise 3 times. उधर तृणमूल का कहना है कि पश्चिम बंगाल में आम लोगों के समर्थन की वजह से उनकी सफलता तय है. वहीं सीपीएम भी बंगाल और केरल में सत्ता पाने का दावा कर रही है. I think it's important that we wait till the 19th, but the trends that are being shown today, there's absolutely no doubt that TMC under Mamata Banerjee's leadership will form the government again. The reason being development, development, development. It is so exciting to understand that common people have voted with their votes. जो भी है हार जीत ये पूरा इसका ये श्रेय तो जाएगा पूरे पार्टी को. जनरल सेक्रेटरी हम हैं वो अलग बात है, लेकिन उसका वजह से नहीं, पूरी पार्टी की कामकाज के वजह से जो भी नतीजे आएंगे वो आएंगे. केरल में निश्चित रूप से हर बार 5 साल के बाद बदलाव आती है. ये पूरा डिपेंड करता है कब किया एग्जिट पोल, कितने सीटों पे किया, कितने लोगों से बात की. अब ये इसलिए तो एग्जिट पोल ही है ना. तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और अब हम रुक करते हैं. हमारे संवाददाता लगातार इस पूरे चुनाव पर नजर बनाए रहे हैं. ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं. पहले रुक करते हैं ब्रजेश का. ब्रजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें असम में बताया जा रहा है कि बीजेपी को एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए बताया जा रहा है, क्या वहां पर ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? हालांकि तरुण गोगोई दावा कर रहे हैं कि ये एग्जिट पोल हैं और थोड़ी बहुत अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी तो भी कांग्रेस सरकार पलटेगी. देखिए शेखर, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये नतीजे चौंकाने वाले नहीं है, बल्कि असम में उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी को लीड मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वो एक भारी बढ़त मिल सकती है बीजेपी को, तो निश्चित रूप से बीजेपी केवल अगर हम बात करें दक्षिण के राज्यों में, गैर हिंदी भाषी राज्यों में, तो असम ये वो राज्य था जहां पर बीजेपी अपनी पैठ बनाने की तेजी से कोशिश कर रही थी. और साथ ही जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं काफी हद तक तरुण गोगोई के अगेंस्ट गया. वो अलग बात है कि इस समय तरुण गोगोई इस बात से इंकार कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है, और अभी वो शायद इन नतीजों को जो है, जो अभी एग्जिट पोल है, इसको मानने को तैयार नहीं है. लेकिन जिस तरह से रुझान मिल रहे हैं और पहले से अनुमान भी था इस बात को लेकर के कि बीजेपी असम में लीड कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से रुझान भी देखने को मिल रहे हैं. अब नतीजे क्या आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन जिस तरीके से केरला में, केरला का एक जो सबसे बड़ा मामला है कि वहां पर एक करप्शन एक बड़ा इशू था और उसकी की वजह से शायद जो है एक मामला हो सकता है यूडीएफ को लीड लेते दिखाई दे रही है. एलडीएफ और यूडीएफ दोनों को लगभग कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन वहां बीजेपी पूरी तरीके से साफ समझ में आ रही है. तो बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद इस बार जो गैर हिंदी राज्य है वहां पर वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके जो काम है और खुद जो है प्रधानमंत्री भी जो है साउथ के जो है काफी दौरे किए उन्होंने, तो उम्मीद थी कि शायद केरला में भी कुछ स्थितियां बेहतर हो सके. लेकिन जो रुझान बता रहे हैं उसके आधार पर तो यही है कि केरला में बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी. लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि वो असम में लीड कर रही है. तो अब देखना यह होगा कि नतीजे क्या आते हैं. बिल्कुल. और अगर हम अपने दर्शकों को केरल के चुनाव की सबसे दिलचस्प बात बताएं तो वो ये है कि ये एक ऐसा प्रदेश बन करके निकला है जहां पर ज्यादातर पार्टियों के जो कद्दावर नामचीन नेता रहे हैं वो सबसे बुजुर्ग सियासत केरला में देखने को मिली है, चाहे वो ओमान चांडी हो या अच्युतानंदन हो या अन्य पार्टियों के भी जो उम्मीदवार लड़े हैं. मतलब आप समझिए कि 60 की उम्र के पार के ज्यादातर दिग्गज यहां पर चुनाव मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला फिलहाल मतदान पेटी में बंद हो चुका है, ईवीएम में बंद हो चुका है, और अब 19 तारीख का इंतजार है. अब हम रुक करते हैं, अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर नजर बनाए हुए थे. अनुराग, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी दिल्ली भी खूब आई हैं इस बीच, और लेफ्ट अपनी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सियासत को भी शायद दिल्ली में बैठ करके ही निपटाने की कोशिश करता रहा, और कम से कम एग्जिट पोल को अगर हम माने कि ये नतीजे में बदल जाएंगे तो दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है. देखिए,
देखिए शेखर, बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरह से पैर जमाने की कोशिश कर रही थी और बीजेपी की जो असल परीक्षा थी वो पश्चिम बंगाल में स्थित थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई मामलों पर टारगेट करने की कोशिश सेंट्रल के जो नेता थे उनके द्वारा की गई। उनका ये मानना था कि जितना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वो लोग नुकसान करेंगे उतना बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। और सब ममता बनर्जी के बात में ये बात कही जाती है कि ममता जो बनर्जी हैं वो जनता से कनेक्ट रहने वाली मुख्यमंत्री, बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं शेखर जो जनता से सीधे कनेक्ट होते हैं। अगर जनता की आवाज उठाने की बात हो तो सीधे वो चाहे महंगाई का मामला हो या और कोई इशू हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू मुतालिक होते हैं, हर मुद्दों पर वो जनता के बीच में सड़कों पर खड़ी होकर नजर आती हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता के बीच में कनेक्ट रहता है तो उसको कुछ ना कुछ तो एज मिलेगा ही शेखर, और वही उनको यहाँ पर फायदा सीधा सीधे तौर पर मिलता नजर आ रहा है। लेफ्ट भी यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरह से जो ममता बनर्जी का जो जलवा है यहाँ पर उसको अब खत्म किया जाए, लेकिन ममता बनर्जी चूंकि एक जनता से कनेक्ट के नेता है तो उनको जनता को लगता है कि ममता बनर्जी ही पश्चिम बंगाल का फायदा करती नजर यहाँ पर आती है, और जो बाकी दल हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए यहाँ पर अपने अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टियों से निपटना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, यहाँ पर ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी आईना दिखा दिया। जी शेखर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास, और हम इस समय चल सकते हैं। धीरम जी हमारे साथ AIADMK के स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है। धीरम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके मुताबिक कुछ लोग कह रहे हैं कि डीएमके को बढ़त है, AIADMK को भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि खत्म ही है। आप लोगों का अपना आकलन क्या है? धीरम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, आई वॉन्ट टू नो व्हाट्स योर स्टेटस इन तमिलनाडु आफ्टर दीज एग्जिट पोल, वेयर सम एग्जिट पोल्स आर सेइंग दैट डीएमके इज कमिंग बैक एंड AIADMK इज गोइंग टू लूज। नो, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अवर AIADMK वोट शेयर। या प्लीज गो ऑन। इन तमिलनाडु ऑल द अपोजिशन आर डिवाइडेड। Okay. That will help us to come back to power again. We are confident about that. Dhiram ji, do you think that division of opposition is more beneficial to you, or you are thinking that AIADMK's government or Jalalitha's government has done whatever is going to benefit you? Yes. And on the other hand, the DMK and Congress alliance is anti-Tamil. So surely we will win in this election. Thank you, Mr. Dhiram. AIADMK के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो आप नतीजे आने दीजिए, 19 तारीख को पलटे हुए दिखाई देंगे। हम एक बार फिर से रुक करते हैं, अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, पश्चिम बंगाल में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उस दौरान भी जो ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज था या जो इस तरह से उन्हें सीटें मिली थी उसमें बीजेपी को कोई खास बढ़त मिली नहीं थी। सवाल यहां पर बड़ा यह है कि लेफ्ट अगर कहीं थी और कहीं से अगर वो खत्म हुई तो वो पश्चिम बंगाल था, जहां उनकी 3 दशक से ज्यादा सत्ता रही। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इसके बाद क्या हम ये मान लें, ऐसी स्थिति जब बन रही है तो लेफ्ट के नेता केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गए, मतलब जैसे ही वो पॉलिटिक्स करते रहे उसमें वो अपने गढ़ को खोने के बाद वहां पर किसी तरीके से रिवाइव कराने की भी स्थिति में नहीं आते हैं, अगर यही एग्जिट पोल के नतीजे वास्तविक नतीजों में बदलते हैं तो। जी बिल्कुल शेखर, बदलते वक्त के साथ दरअसल राजनीति ने भी अपना जो स्वरूप है वो बदला है, लेकिन जो लेफ्ट के काम करने का तरीका है, जो उनकी कार्यशैली है, उसमें बदलते वक्त के साथ कुछ बदलाव देखा नहीं गया। जबकि जो अब नया मतदाता है, युवा है, वो राजनीति के नए नए रंग देखना चाहता है और वो यही चाहता है कि जो भी पॉलिटिकल दल है, जो नेता है, वो उनके भले की क्या बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही, जो लेफ्ट के बड़े नेता हैं या
जो लोग ग्राउंड पर काम करना चाहते हैं उनको या तो इतनी ज्यादा उनको ताकत नहीं दी गई, और जो ताकतवर नेता हैं लेफ्ट के और जो वास्तव में काम जानते हैं वो दिल्ली की राजनीति तक सिमट कर रह गए। हम देखते हैं कि जो जिन लेफ्ट के नेताओं को पश्चिम बंगाल में बैठकर अपना जो पॉलिटिकल जो उनका ग्राउंड है वो मजबूत करना चाहिए, अपने मुद्दों को ठीक ढंग से जनता के सामने रखना चाहिए, और जो राज्य सरकार है जिससे उनका सीधा मुकाबला होता है तो उनके जितनी भी कमी है राज्य सरकार की उनको जनता के सामने रखना चाहिए। तो ऐसे मामलों पर बहुत कम देखने में आया कि लेफ्ट ने अपना जो काम है वो पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक किया है। जो लेफ्ट के नेता है या तो जो टीवी चैनल्स हैं या मीडिया की जो बाइट्स होती हैं उनके जरिए वो सक्रिय रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो उनका कनेक्ट है वो बहुत कम है। शायद यही वजह है लेफ्ट धीरे धीरे अपनी जो जमीन है जहां जहां पर है वहां से उसकी जमीन खिसकती जा रही है। बिल्कुल, और शायद अनुराग ये भी है कि लेफ्ट ने ये मान लिया है कि जब कैडर की बात आती है या वैचारिक रूप से कोई टकराव मोल लेने की बात आती है तो कांग्रेस कुछ इस तरह से सपोर्ट करती है कि उसको कुछ माइलेज मिलता हुआ दिखाई देता है, और शायद उसी में वो अपनी जिंदगी तलाश रही है बीजेपी या आरएसएस से जब कांग्रेस का सीधा टकराव होने की स्थिति होती है तो जो बाइफरकेशन होता है वो शायद इसी दिशा में जाता है। मेरे साथ डॉक्टर नवीन चौधरी हैं, पीएमके के स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे हिंदी में पूछ सकता हूँ? बोलिए, थोड़ा समझ सकता हूँ मैं हिंदी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूंगा कि तमिलनाडु में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके बाद आप लोगों को क्या लग रहा है, मतलब डीएमके आगे बढ़ रही है, पीएमके कहां पर आप देख रहे हैं, और एआईए डीएमके की स्थिति? एज फार एज एग्जिट पोल के कंसर्न है वो हम हमारी पार्टी के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू मानता है, कोई फायदा ही नहीं है एग्जिट पोल से। क्या आई मीन व्हाट कैन यू डिराइव आउट ऑफ एग्जिट पोल? वी वेटेड सो लॉन्ग, लेट अस वेट फॉर 60 आवर्स मोर, काउंटिंग शुरू होने के लिए वेट कर लेंगे और फिर डिस्कस कर लेंगे रिजल्ट के बारे में। अभी तक वो सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू आप लोग पूछने के लिए। डॉक्टर नवीन, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट देयर इज अ फाइट बिटवीन डीएमके एंड एआईए डीएमके इन तमिलनाडु। व्हाट डू यू थिंक दैट इन दीज इलेक्शंस पीएमके इज गोइंग टू डैमेज दीज पार्टीज और टू बिल्ड देमसेल्फ? फर्स्ट प्राइमरी थिंग इज वी आर गोइंग टू बिल्ड आवरसेल्फ्स एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू स्प्रिंग अ सरप्राइज। सी, ये एग्जिट पोल तो turn out a lot of surprising things. The exit polls, as far as recently as the Delhi election, exit polls kya kar rahe the? Tie ho rahe hai. Congress aur BJP aur AAP ke beech mein tie ho jayega. Fir kya hua? Aakhir mein 67 seats aur 3 seats BJP ke liye aur 67 seats AAP ke liye aaya. The same exit polls in 2014 in the Lok Sabha also said some similar things, that the DMK will win 13 seats, ADMK will win 23 seats. आखिर में क्या हुआ? एडीएमके 137 पी। सो एज फार एज एग्जिट पोल्स के मामले में वी डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, वी आर वेटिंग फॉर द एक्चुअल काउंटिंग टू बिगिन इन अनदर 60 आवर्स टाइम, आफ्टर दैट वी विल सिट एंड डिस्कस आराम से। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल आए हैं ज्यादातर उसमें डीएमके को खासी बढ़त दिखाई जा रही है, तो अगर वो कांग्रेस के साथ अलायंस में है तो इस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि ये एग्जिट पोल अगर नतीजों में बदलते हैं? बदल, आई मीन अगेन एंड अगेन यू गोइंग बैक इन द हाइपोथेटिकल, वी डोंट बिलीव द एग्जिट पोल्स, वी डोंट गिव देम एनी इंपॉर्टेंस, सो आई डोंट थिंक वी शुड सिट एंड डिस्कस अबाउट द एग्जिट पोल्स और रीड टू मच इनटू इट। ओके, वेट फॉर द एक्चुअल। ठीक है डॉक्टर नवीन, ये नई पीढ़ी है, दिस इज अ न्यू जनरेशन नाउ। What I think in my childhood, I had seen that in Tamil Nadu, especially, 25 paise mein namak, 10 paise mein aata, 5 paise mein chini, 10 paise mein kuch aur. These were the things where the political parties manipulate their voters. Do you think there is any change? Where Amma Canteen is there now, there is Mangal Sutra, there is television, vagaira vagaira. यही है ना, यही बहुत दुख की बात है ना, 50 साल के बाद भी हम वोटर्स को फ्रीबीज देके उनको बेकर सर पर ट्रीट कर रहे हैं, वही हमारी स्टैंड हुआ, डोंट गिव देम फ्रीबीज, उनको डेवलपमेंट दी दो, गिव देम डेवलपमेंट, दैट हैज बीन द होल स्टैंड ऑफ द पाटाली मक्कल कच्ची, टॉक अबाउट डेवलपमेंट, टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म स्कीम्स, टॉक अबाउट एजुकेशन, टॉक अबाउट एम्पावरमेंट, टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, talk about ending corruption, talk about prohibition, why don't you talk about long term goals?
so many years you want to keep these, I mean, sorry for being very rude, inko bikar sabse, think of them like beggars. We don't want voters, we want the Tamilian pride to stand up, and we want them to lead proud lives wherein they can buy and get whatever they want for themselves instead of depending on these useless freebies. Dr. Chaudhary, what I feel as a journalist, a Tamil Nadu voters population always want a karishma. They always find it on silver screen. So silver screen is the most popular phase of Tamil Nadu politics. Is it true? For the past 50 years, right from Anna, who was a screenwriter, Karunanidhi, who was also a screenwriter and scriptwriter, followed by MGR, who was a popular hero, and then Madam Jayalalitha. All these people have been from cinema. We have nothing against cinema. In Tamil Nadu, what they have done is the ABCD formula. One, give them alcohol, make them beggars with freebies, and give them cinema culture, and make them directionless without development. This is the ABCDs that have ruined Tamil Nadu in the past 50 years, and we have taken a brave stand. Hum to brave stand liya. Inko ye sab hum nahi denge. Hum inko sirf development aur development de denge. Bahut shukriya, Dr. Chaudhary. अनुराग आपका भी शुक्रिया, ब्रजेश मेरे साथ जुड़े थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. एग्जिट पोल एक ऐसी चीज है जो चर्चा के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि नतीजे आए नहीं होते हैं, मतदान खत्म हो चुका होता है और चुनाव आयोग की वो बंदिश हट चुकी होती है जो पिछले कई महीनों से सबके भीतर दबी हुई थी. अब जो दबा हुआ था वो कुछ इस तरह से बाहर आता है कि जैसे मतदाता जब मतदान करके बाहर आता है और उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने वोट किसको दिया, एग्जिट पोल में भी बस यही होता है, पूछा गया और उसके बाद उस सैंपल साइज को लेकर के और एक आंकड़ा रख दिया गया. इसमें दो राय नहीं है. हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि ये आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि ये एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है, लेकिन जो चीज सामने है उसकी भी अपनी एक क्रेडिबिलिटी होती है, अपनी एक विश्वसनीयता होती है और समय समय पर कुछ इसी तरीके से उसका चेक एंड बैलेंस जरूरी होता है और बनाए भी रखना चाहिए, चर्चा करते रहना चाहिए, देखना चाहिए. बहुत सारे सवाल जो उस नतीजे वाले दिन नहीं पूछे जा सकते वो ऐसे आगे पीछे आते हैं. खबरों का सिलसिला इंडिया 24/7 पर जारी है और साथ ही इन 5 राज्यों में जिस तरीके से आज एग्जिट पोल आया है, जिस दिन नतीजे आएंगे यानी 19 मई, सबसे बड़ी मेगा कवरेज आप देखते रहिए इंडिया 24/7 पर.